वर्तमान ई श्रम कार्ड को नहीं बहुत बड़ा घोषणा करा जायछि। तो जदि आपण माने ई श्रम कार्ड पाई पंजीकरण कर सारिछंती एवं कार्ड अछि तबे आपण मानन पाई बहुत बड़ा खुशी खबर। तबे केंद्र सरकार को पक्षरु आपण मानन को बहुत बड़ा खुशी खबर आछि। तो आपण माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आउ वीडियो गोटे लाइक करंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थे बेल बटन क्लिक करी ऑल सिलेक्ट करनियंतु। तबे सरकार कर अनुसार डिसेंबर जाए पंजीकरण करिपारिबे एही लोक माने तबे तापरे आपण माने करिपारिबे नाही। तो जनवरी 2022 थारु जहाँ सब बेनिफिट रहिछि लोक मानको सेथिरे लाभ उठाई पारिबे। तबे जे माने पंजीकरण करिनहंती करिनहंतु नहले आपण पंजीकरण करिपारिबे नाही। तबे जे माने पंजीकरण करछंती सेमानको 2 लाख टंकार बीमा राशि मिलिपारिबो। तबे कोनोसी दुर्घटना घटिले 2 लाख टंका प्रदान करा जिवो। तो वर्तमान समय रे बड़ खबर आछि कि ई श्रम कार्ड रे मिलिब प्रथम किस्ती 10,000 टंका जाके जे माने पंजीकरण कर सारछंती तबे सेई मानको मिलिब ए 10,000 टंका जाके ए खबर टी घुरी बुरुछि। तो आपण मानको मन रे प्रश्न उठतिबो ए सत ना मिछ। सरकार कर निर्देश अनुसार 2 लाख टंका रे बीमा राशि मिलिब कोनसी दुर्घटना घटिले 2 लाख प्रदान करा जिवो। तबे एतिक घोषणा करा जायछि। तबे वर्तमान जे खबर प्रसारित होउछि कि प्रथम किस्ती टंका 10,000 टंका मिलिब ए संपूर्ण भाबरे मिछ खबर। आउ सेपटे प्रधानमंत्री आवास योजना रे लाभार्थीको पई बहुत बड़ खबर। वर्तमान एक खास योजना रे 4 लाख टंका देवार प्रस्ताव रखा जायछि। तबे कुहा जायछि कि वर्तमान घर तयारी करबा पई दरदाम अधिक बढिबारे लागिछि तेनु वर्तमान एहा मध्ये बढाइ देबा आवश्यक। जदि समित्र ए प्रस्ताव लागू हे तबे वर्तमान लोक माने एही बाबद रे पूर्व अपेक्षा अधिक टंका पाई परिबे। तबे विधानसभा प्रकरण समिति राज्य रे प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसार घर तयारी करबा पई 4 लाख टंका देबा पई आवेदन करछंती। एही समिति पक्षर कहा जायछि जे वर्तमान दरदाम द्रुत गति रे सब जिनिस बढिबारे लागिछि तेणु एहाकु आखि आगरे रखी प्रधानमंत्री आवास योजनार अर्थ बढा जिवो। तबे समिति पक्षर कहा जायछि जे बीपीएल परिवार निजो पई घरटिए करबाकु सक्षम नहुंती। एपरी स्थले केन्द्र और राज्य सरकार सहयोगर चली पीएम आवास योजना अनुसार घर तैयारी करुवा लोक अर्थ 1,20,000 रु बढ़ाई 4 लाख कहे प्रत्येक राज्य निज देशर जनसाधारण प्रति एपरी पदक्षेप ग्रहण करने आवश्यक।